मुझे लग रहा है कि अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं, शायद 2017 के पहले वो अपने को झांक करके देखते तो वो जो उनके अंदर था वही दूसरे में दिखाई पड़ता है। जो आदमी स्वयं होता है ना, वो नज़र उसी दूसरे के ऊपर पड़ती है। वो खुद है। अब मैं तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो बाप की ना माने, अपने चाचा को जो चाचा बेचारा पूरी पार्टी को खड़ा करने में अपना बलिदान दे दिया, योगदान किया, जो जो आदमी स्वयं कर रहा है वो दूसरे को देखता है। देखिए, मैं एक ही बात कह सकती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी होशो आवास में जिम्मेदारी से कहा है कि जो OBC कमीशन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, उनके आरक्षण पर कोई छेड़खानी होने वाली नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक बड़ी पार्टी का जो अंतर्राष्ट्रीय सबसे देश के विश्व के अंदर बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, उससे बड़ा कोई और कहने वाला नहीं हो सकता है। अम्बेडकर साहब की जितनी भी प्रतिमाएं हैं, स्मारकें हैं और जो भी योजनाएं सरकार चला रही है, उससे किसी का उत्थान नहीं हुआ, ऐसा मायावती का कहना है। देखिए, मुझे लग रहा है कि मायावती ने दलितों के नाम से अपना तो उत्थान किया है, सत्ता में समर्थन दिए थी कांग्रेस को, 10 साल तक दिए रही मायावती जी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके जो 5 स्थान हैं, उन स्थानों को कम से कम विकसित करके पंचतीर्थ के रूप में माननीय मोदी जी ने स्थापित किया है। देखिए, मुझे लग रहा है कि आरोप लगाने के पहले ये देखना चाहिए कि विधायक के खिलाफ FIR कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, और मुझे लग रहा है कि देश के अंदर, पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री से बड़ा कोई लीडर नहीं हो सकता है। जब उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे कहा है, बलात्कारी किसी भी दल का व्यक्ति हो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए और हमारी पार्टी भी नहीं छोड़ेगी। सरकार, प्रधानमंत्री जी ने कल बयान दिया, तो उससे ज़्यादा मैं क्या बयान दे सकती हूँ।